हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टेट का। इससे पहले हमने चार्ज पढ़ा था, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, चार्ज डेवलप कैसे होता है वो पढ़ा था, सब कुछ, है ना। तो चार्ज के बारे में हम उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज सब कुछ जान चुके थे, जो कि हमारा थ्योरेटिकल एक लेक्चर था। आज जो हमारा रहेगा उसमें क्वेश्चंस भी रहेंगे, और जेईई मेंस और जेईई एडवांस या फिर नीट की बात करें तो वहां पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं 2025 वाले में, तो उनके रिलेटेड हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं, इसमें ध्यान रखना। तो अपना लेक्चर नंबर 2 है और आज हम कुलाम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुलाम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और एक तो कुलाम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, एक इसके फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मल्टीपल चार्जेस हो तो कैसे कैसे फोर्स रहेंगे, किस टाइप से शेप्स रहेगी, और इक्विलिब्रियम में कैसे कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे। आइए तो यहां पे सबसे पहले यही देखते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, साथ चलते हैं। यहां पे सबसे पहले कुलाम्स लॉ। अब देखो कुलाम्स लॉ में सबसे पहले कुलाम्स ने क्या बोला, ये जो कुलाम लॉ था ये पॉइंट चार्जेस के लिए था, पहली बात तो ध्यान रखना। और ये जो कुलाम लॉ है वो बोलता है कि यदि आपका चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, ठीक है, तो जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो फोर्स इसके प्रोपोर्शनल रहेगा, Q1 एंड Q2 के, इनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल रहेगा। और इनके सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग होगी, इनको मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग है उसके अलोंग लगेगा, उसके अलोंग लगेगा। यदि ये लाइक चार्जेस है तो हमेशा रिपल्सन रहेगा। लाइक चार्जेस मान लो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है, तो इनके बीच में हमेशा रिपल्सन फोर्स लगेगा, जो कि हम चार्ज की प्रॉपर्टी में देख लिए थे। तो इनके बीच में ये रेडियस है कुछ, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। जहां पे के आपका क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रोस्टेट में इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹, ध्यान रखना। और इसकी यूनिट भी पता कर सकते हो न्यूटन, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर स्क्वायर, ये दोनों डिवाइड में गए तो पर कुलाम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है यूनिट के साथ में, ठीक है। और इसके अलावा इस के को हम ये बोलते हैं 1/4πε₀, ये सब कॉन्स्टेंट है तो इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू ये आती है। इसमें 4π आपको पता है, ε₀ जो होता है वो परमिटिविटी होती है, ध्यान रखना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस बोल दो या वैक्यूम बोल दो, कि वैक्यूम की परमिटिविटी होती है। और इसकी भी एक वैल्यू होती है, वो होती है 8.85 × 10⁻¹², ध्यान रखना, ओके। ये और ये इसका इनवर्स है, मतलब यहां पे इसकी जो यूनिट होगी, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ध्यान रखना। तो आपको ये सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और आपका यदि अनलाइक चार्जेज है, मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इनको इनके बीच में भी जो फोर्स लगेगा वो भी ध्यान रखना, इस लाइन अलोंग टू लाइन, लाइन ज्वाइनिंग जो है इनकी, सेंटर्स की लाइन ज्वाइनिंग है उसके अलोंग लगेगा, ध्यान रखना। और वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उसकी भी वैल्यू यही रहेगी, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे मैं ये Q1 चार्ज है तो Q2 चार्ज इस पे लगा रहा होगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं F12, है ना, और ये Q2 चार्ज पे ये फोर्स लगा रहा होगा तो F2 पे लगा रहा है 1 की वजह से, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड में हमेशा इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। यहाँ पे भी बात करूं मैं कि ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, तो यहाँ पे भी मेरा F1 और F12 और F21, ये भी मेरा मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा। मतलब बोलने का मतलब कि ये मैग्नीट्यूड में 1, 2 और F21 का मैग्नीट्यूड लोगे तो ये इक्वल आएगा, लेकिन जब डायरेक्शन की बात करूं या फिर वेक्टर की बात करूं मैं, तो F12 माइनस टाइम ऑफ 21, ये ध्यान रखना कि इनकी डायरेक्शन एक इधर है तो एक उधर है, अट्रैक्शन में भी देख सकते हो एक इधर है तो एक इधर है, है ना। तो ध्यान रखना, ये वेक्टर में जब दिखाओगे तुम डायरेक्शन के साथ में तो ये अपोजिट होते हैं, माइनस का साइन आता है, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये ध्यान रखना इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेगा, लेकिन साइन किसका है, ओनली डायरेक्शन का ही, ध्यान रखना। और इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा यही रहेंगे, ओके। तो ये था कुलाम्स लॉ, ठीक है, इजीली समझ में आ गया। अब इसमें कुछ कुछ बातें ये देखो,
ये इसके कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, तब देख लेंगे कि ये इनवर्स लॉ को फॉलो करता है और इनको मिलाने वाली हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग ही लगेगा। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना कि एक फोर्स इधर रख दिया, एक मतलब एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है, ये ऐसे ऐसे फोर्स लग रहे हैं, नहीं कभी भी ऐसा नहीं होगा। जब भी आप ऐसा ऐसा आए तो ध्यान रखना इनको मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके अलोंग ही लगेगा, मतलब ये सेंटर है इसका और ये इसका सेंटर है, तो इनको मिलाने वाली लाइन ऐसे खींच लो इनके सेंटर को, तो ये या तो इसकी इसके अलोंग लग रहा होगा, रिपल हो रहे होंगे या फिर अट्रैक्ट हो रहे होंगे। ध्यान रखना ये कभी भी मत करना, तुम ये कभी भी मत करना, इधर की डायरेक्शन में कभी फोर्स लगेगा ही नहीं। जो भी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स लगेगा वो इन दोनों के सेंटर को मिलाओ, एक लाइन खींचो उसके अलोंग ही मिलाना। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ में जो हम पढ़ते हैं इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स क्या है, एक सेंट्रल फोर्स भी है। ओके चलो भाई नेक्स्ट, अब देखेंगे हम आगे कि जब इसमें मीडियम में रखा हो, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले किसी मीडियम में रखा हुआ हो है ना, और वो जो मीडियम है वो भी क्या हो, होमोजीनियस हो, एक जैसा हो, ध्यान रखना पूरा है ना, तो उसके अंदर फिर फोर्स पे क्या इफेक्ट आता है या क्या फर्क पड़ता है, कम होता है ज्यादा होता है, वो देखते हैं। हमने अभी जो देखा वो था फ्री स्पेस में या फिर वैक्यूम में, ठीक है तब की बात, या फिर एयर में बात करें हम तो उस टाइम था। अब मीडियम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तो मीडियम के अंदर देखो हमने देखा कि जब एयर की बात हो रही थी, जब बेटा एयर की बात हो रही थी है ना, तो हम फोर्स का फॉर्मूला क्या लिख रहे थे, देखो ये तब हम फोर्स का फॉर्मूला ये लिख रहे थे के, या फिर के की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये पुट कर लेते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना इंटू Q1 Q2 अपॉन R² है ना। ये कब की बात हो रही थी बेटा, एयर की बात हो रही थी तब है ना। अब बात आती है मीडियम की है ना, तो मीडियम के अंदर क्या होता है, मीडियम के अंदर जो फोर्स की बात करेंगे हम, तो फोर्स में ध्यान रखना यहाँ पे F=1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है, ये तब फ्री स्पेस की परमिटिविटी थी, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया है, एप्सिलॉन का मतलब है Q1 Q2 अपॉन R², ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब ये जो एप्सिलॉन है यहाँ पे है ना, वो एप्सिलॉन नॉट था, वो एयर की था या फिर वैक्यूम का था, ये मीडियम का है, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन मीडियम, कि आपका मीडियम क्या है, ठीक है कि मीडियम कैसा है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये, इसको मैं दूसरी इक्वेशन बोलू है ना, तो यहां पे ध्यान रखना डिवाइड करते हैं हम, तो ये मीडियम का है फोर्स आपका, ठीक है ये वैक्यूम का है, एयर का है ना, तो यहां पे हमें मिलता है F/Fm, दोनों इक्वेशन का मैं डिवाइड करूं तो यहां पे देखो ये 1/F और ये, तो इसमें ये सारी चीजें कट जाएगी जब डिवाइड देंगे, तो 4π 4π भी कट जाएगा, 1/ε 1/ε0 और 1/ε बचेगा है ना, तो ये इधर गया ये ऊपर गया, तो ये हुआ ε/ε0 है ना इक्वल में, ये इसके इक्वल में हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब जो Fm है, जो मीडियम है, तो ये पूरा का पूरा इसके डिवाइड में आएगा, तो F/Fr लिख देंगे इसको, εr लिख देंगे। अब एप्सिलॉन आर क्यों लिख दिया, क्योंकि ये रिलेटिव है, इसको रिलेट बोल सकते हैं हम, ठीक है ये पूरी की पूरी इसके वैल्यू के नीचे आएगी। एप्सिलॉन आर का मतलब है εr/εr0/εr, मतलब एयर का जो परमिटिविटी है और जो मीडियम की परमिटिविटी है उन दोनों के रेशियो को एप्सिलॉन आर बोलेंगे। ये कौन सी हुई, रिलेटिव परमिटिविटी, देखो दो को रिलेट कर रहे हैं ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है तो रिलेटिव परमिटिविटी, ये तो कांस्टेंट है, ये डिपेंड करेगी मीडियम पे, ठीक है तो ये है ध्यान रखना रिलेटिव परमिटिविटी, और ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है, ध्यान रखना ये मीडियम के लिए और मीडियम और वैक्यूम वाले के लिए आता है। तो आपका देखो एप्सिलॉन आर का डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसमें है ना, तो अपना इसका मतलब है जो फोर्स आता है, जो फोर्स आता है एक तरह से आपका ये, ठीक है ये जो फोर्स आता है आपका मीडियम के अंदर, वो एयर के, एयर में जो फोर्स आया उससे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ओवरऑल एफएम आपका कम आएगा, तो मीडियम की वजह से क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स घट गया है। ओके तो ये चीज ध्यान रखना है अपने को। ओके चलो भाई समझ गए ना, ये यहाँ पे जैसे क्वेश्चन था ये कि एक मीडियम है और दोनों वही है, ध्यान रखना दो चार्जेस रखे हुए हैं,
तो ये आपको ध्यान रखना है ऐसे मीडियम में। तो मीडियम में फोर्स निकालने के लिए एक एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, ये ऐसे है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब मैं जो बोल रहा था कि कूलम्स लो पॉइंट चार्जेस, बार बार मैं बोल रहा था ना पॉइंट चार्जेस, है ना, इसका मतलब जो चार्ज है वो पॉइंट चार्जेस के लिए या फिर स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए ही होना चाहिए। यदि आपका ऑब्जेक्ट या फिर जिस पे हम चार्ज की बात कर रहे हैं वो यदि बड़ा है या लार्ज साइज में है तो उन पे हम कूलम्स लो नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे था इस पे था ऐसे प्लस चार्जेस था, ठीक है, ठीक है, और इस पे भी प्लस चार्ज था ऐसे, अब ये पॉइंट चार्ज नहीं होता, ये मान लो पॉइंट चार्ज होता तो हम सीधा सीधा लिख देते कि इसका फोर्स कितना होता, के क्यू वन क्यू टू अपॉन जो भी अपना आर स्क्वायर है, है ना, ये होता। बट एक्चुअल में बड़ी साइज होने की वजह से एक्चुअल में होता क्या है कि इनमें जो चार्ज है वो एक तरफ ही चला जाता है पूरा का पूरा, लगभग लगभग लगभग, ठीक है, रिपल्सन की वजह से एक तरफ ही चार्ज चला जाता है ऐसे, इस टाइप से एक तरफ से। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, तो इनके जो सेंटर्स की जो सेंटर है वो जो पहले एक्चुअल में पहले सेंटर यहां पे था, है ना, और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो पहले क्या थी, आर थी, है ना। लेकिन अब क्या होगा, एक्चुअल में सेंटर यहां पे ना होके यहां पे होगा, है ना, तो यहां पे यहां से लेके और यहां पे भी एक्चुअल में सेंटर यहां पे ना होके इधर चला जाता है ना। तो सेंटर्स की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। इसका मतलब यहां पे आर पहले कम थी लेकिन अब आर बढ़ गई है ना, आर डेज बढ़ गई है। तो आपका पहले एक्चुअल में जो आपका पहले एक्चुअल में जो फोर्स था वो कम, अब देखो यहां पे आर बढ़ गई, इसका मतलब आर का डिवाइड दे रहे हैं हम इसमें, देखो एफ आर के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे यदि आर बढ़ रही है तो ये कम हो जाएगा, है ना, तो फोर्स आपका कम हो जाएगा, ध्यान रखना बाद में। इसका मतलब एक्चुअल में ये जो लार्ज साइज की वजह से इनके क्या होते हैं, सेंटर्स की डिस्टेंस बढ़ जाती है, सेंटर चेंज हो जाते हैं एक तरह से मान के चलो, तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, सेंटर की डिस्टेंस बढ़ गई, इसका मतलब है आपका फोर्स कम हो गया। तो एक्चुअल में बड़ी साइज में ये फोर्स एक्चुअल से कम मिलता है, जो एक्चुअल में फॉर्मूले से मिलना चाहिए था ना उससे भी कम फोर्स मिलता है हमें, ध्यान रखना। तो ये अपना ये एक्चुअल है और ये कैलकुलेटेड है, ये तो कैलकुलेटेड है और ये एक्चुअल है, तो एक्चुअल वाला फोर्स आपका कम मिलता है, क्यों, क्योंकि सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है, तो इसीलिए कूलम्स लॉ कहां लगता है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए लगता है, जो भी बिल्कुल पॉइंट चार्जेस हो उनके लिए लगता है ना, बड़े बड़ी साइज वालों के लिए, बड़ी बॉडीज के लिए नहीं लगता है, ये आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब जरा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में कूलम्स लॉ वैलिड फॉर एनी पॉइंट, अभी अभी बात हुआ मेरी, है ना, पॉइंट और पॉइंट लाइक चार्जेस के लिए, ठीक है, पॉइंट या पॉइंट जैसे जो चार्जेस है उनके लिए ही कूलम्स लॉ लगता है ना। ये इनवर्स लॉ स्क्वायर होता है, ध्यान रखना, अभी हमने देखा था ना फोर्स किसके, वन अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर के इनवर्स इनवर्स लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करता है ये, वन अपॉन आर स्क्वायर का, ध्यान रखना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ये, ओके। और जैसे ऐसे ही अपना कौन सा और करता है, ग्रेविटेशन में याद है ना, उसमें भी वन अपॉन आर स्क्वायर आता था, तो वो भी क्या है, इनवर्स लॉ को फॉलो करता है ना, जो भी डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं, एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, उनको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ के फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा, ये स्क्वायर लॉ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करता है, सुपरपोजिशन के लॉ को भी फॉलो करता है, मतलब अभी सुपरपोजिशन हम इसी भी देखेंगे भाई, एक से ज्यादा जब चार्जेज हुए तो सबका एक एक का काउंट करेंगे हम, अलग अलग वेक्टर एडिशन करेंगे, सबके फोर्सेज का वेक्टर एडिशन करेंगे और जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमें मिल जाएगा, तो उसी लॉ को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन, हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सुपरपोजिशन के लॉ को भी फॉलो करता है, इट्स कंजर्वेटिव, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। अब देखो हमने बोला कि ये इलेक्ट्रोस्टेट फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है एक तरह से, हमें कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्सेस मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टेट हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, है ना, तो ये फोर्सेज क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेज है। कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए ही क्या डिफाइन होती है बेटा,
पोटेंशियल एनर्जी, याद करो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, हमने 11th में भी पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ये भी हम डिफाइन करेंगे इसकी फोर्स की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्सेज में आता है, काउंट होता है ना। तो ये आपको छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा एक और पॉइंट है, अब देखो यहाँ पे इसमें फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। इसका मतलब क्या है, मान लो देखो पहले है ना, पहले क्या था, Q1 और Q2 दो चार्जेस थे आपके पास, ठीक है। अब ये दोनों चार्जेस यहाँ पे थे तो इनके बीच में फोर्स लग रहा था एक, है ना, ये F नाम का एक फोर्स लग रहा था। अब फिर इसके बाद में क्या हुआ कि एक थर्ड चार्ज लाके और रख दिया हमने। अब इस थर्ड चार्ज की वजह से इस पे सेकंड चार्ज में देखूं तो इस डायरेक्शन में सेंट्रल में लगता है हमेशा, है ना, इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स लगता है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक नया फोर्स लगना और स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये मान लो कि इसकी वजह से एक फोर्स और लग रहा है, तो इस फोर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था ना वो अभी भी उतना ही लग रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि दो चार्जेस के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में यदि कोई फोर्स लग रहा है ना, तो तीसरा कोई चार्ज आ जाता है ना, तो उसकी प्रेजेंस की वजह से इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ओके, तो ये पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कि थर्ड चार्ज की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आता है, उनका रिजल्टेंट कुछ और आएगा वो अलग बात है, लेकिन ये इस पे जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट आना और रिजल्टेंट आना दोनों अलग बात है, ध्यान रखना। इनका रिजल्टेंट तो हो सकता है कुछ और आए अलग साइड में, बट यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो उतना ही लगेगा अभी भी। ओके, तो ये चीज समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स देख लेते हैं हम। कहेंगे फोर टू चार्जेस सिस्टम में मान लो कोई भी दो चार्जेस हैं आपके पास में, ठीक है, मान लो कोई भी दो चार्जेस है और इक्वल चार्जेस है, तो उनके बीच में जो भी फोर्सेस लग रहा होगा या फिर सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के मतलब मान लो एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, है ना, और सेम क्वांटिटी के हैं और ऐसे रेडियस वगैरह हैं, तो इनमें जो टोटल एफ नेट है सिस्टम का नेट फोर्स टोटल, क्योंकि ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है ना, F12, F21 जो भी है अपना, 1221 जो भी है ना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस सिस्टम में देखा जाए, इस सिस्टम में देखा जाए तो हमें दिख रहा है कि F नेट कितना है यहाँ पे, F नेट जीरो है ना, सिस्टम का ओवरऑल F नेट जीरो है। तो ध्यान रखना F नेट जीरो है, इसका मतलब dP/dt बोल सकते हैं इक्वल टू जीरो, इसका मतलब P क्या है, कांस्टेंट है ना। अरे F को dP/dt बोलते हैं, P इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो P कांस्टेंट मतलब कंजर्वेशन मोमेंटम, हाँ मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है इसका, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या है भाई, कंजर्व है, रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व रहेगा, ध्यान रखना मोमेंटम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, m1v1 = m2v2, है ना, कांस्टेंट रहेगा। ओके, और ऐसे ही हम एंगुलर की बात करें, ऐसे ही हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें ऑफ द वन चार्ज पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू रिमेन्स कंजर्व, हियर लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स इज पासिंग थ्रू द Q2 एंड वाइस वर्सा, सो टॉर्क On one charge with respect to other will be zero. यदि आपका टॉर्क है, वो टॉर्क भी आपका एक पॉइंट के अबाउट जीरो रहे, इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम वो भी क्या रहेगा आपका, कॉन्स्टेंट रहेगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। मान लो दो पॉइंट चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज में हमेशा किधर भी देख लो तो उनके ना लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ही रहेगा, इसका फोर्स कंपोनेंट लोगे तो इसका भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा, है ना, ओवरऑल इसमें जो नेट टॉर्क है वो आएगा ही नहीं, नेट टॉर्क क्या रहेगा, एक तरह से जीरो रहेगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा आपका, जीरो, mvr = constant, ध्यान रखना, ठीक है, ये जो टॉर्क नेट आपका जीरो है, तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना लीनियर के लिए वैसे एंगुलर के लिए है। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ये अच्छे अच्छे पॉइंट है जो इनको ध्यान में रखना है आपको। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास कि टू पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, और उसके बाद में दो चार्जेस आपके साथ में यहाँ पे Q1 और एक Q2, है ना, और R मीटर अपार्ट रखे हुए हैं इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर है ये अभी, ठीक है,
और फोर्स ऑन क्यू वन एंड क्यू टू इज एफ, यदि क्यू वन और क्यू टू का जो फोर्स है, क्यू वन और क्यू टू का जो फोर्स है वो एफ है। नाउ व्हाट इज द थर्ड चार्ज क्यू थ्री इज प्लेस्ड इन द मिड पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेज। तो इसमें देखो तीसरा क्यू चार्ज रख रहे हैं, कहां पे रख रहे हैं बेटा, मिड पॉइंट पे रख रहे हैं, है ना। तो ये पता करना है कि इसका क्या होगा। तो इसमें देखो दो टाइप के, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला और दूसरा। अब देखो पहले की बात करते हैं हम, कि पहले में क्या दिया है कि फोर्स ऑन द क्यू वन, फोर्स ऑन क्यू वन एंड ड्यू टू क्यू टू। तो देखो इसका थोड़ा सा ऐसे समझते हैं हम कि ऐसे हमारा क्यू वन चार्ज और क्यू टू चार्ज था, ठीक है, और कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ था, आर डिस्टेंस पर। उसके बाद में क्या किया यहां पे, फर्स्ट में यहां पे मिड में इसके बीच में Q3 चार्ज लाके रखा गया, ठीक है, एकदम बीच में मिड पॉइंट में लाके रखा गया, R by 2 डिस्टेंस है। तो अब इसमें पहले में क्या होगा, ये क्या करेगा, ये भी इधर रिपेल करेगा, ये है ना पॉजिटिव चार्ज, मान के समझ सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज लाके रखे, तो Q1 पे फोर्स लग रहा होगा टू की वजह से एफ टू वन था। जब ये नहीं था ना, देखो ये जब नहीं था ना, ये जब नहीं था तो क्या हो रहा था, यहां पे एफ वन टू लग रहा था फोर्स, इसकी वन की बात कर रहे हैं हम, है ना, इस पे वन फोर्स लग रहा था और ये इस पे, इस टू पे वन की वजह से लग रहा था, एफ टू वन लग रहा था, है ना। अब ये वाली कंडीशन थी अपने पास, जब इसमें एक थर्ड चार्ज लाके रखे इसके बीच पॉइंट पे अपना क्यू थ्री चार्ज, ठीक है, तो इसके वजह से अलग फोर्स लग रहा होगा, इसके ऊपर एक फोर्स और लग रहा होगा, ठीक है, और वो कितना लग रहा होगा, एफ वन थ्री लग रहा होगा, और इस पे भी एफ टू थ्री लग रहा होगा, टू पे थ्री की वजह से, इस थ्री की वजह से एफ टू थ्री लग रहा होगा। अब यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है, फोर्स ऑन क्यू वन, क्यू वन, क्यू वन पे फोर्स पूछ रहा है ड्यू टू क्यू टू, तो ड्यू टू क्यू टू, तो क्यू टू की वजह से कितना, अभी तो दो की वजह से तो उतना ही लगेगा, याद करो मैंने पॉइंट बताया था कि तीसरा चार्ज आने की वजह से उनके फोर्सेस के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट फोर्स जरूर चेंज हो जाता है लेकिन उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो देखो यहाँ पे ये तीसरे चार्ज की वजह से यहाँ पे जो ये फोर्स है ना, ये अभी भी लग रहा है, ये किसकी वजह से लग रहा है, टू की वजह से, यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स और लगने लग गया थ्री की वजह से, लेकिन वो नेट फोर्स में कैलकुलेट होगा, ध्यान रखना। तो इंडिविजुअल फोर्स बात करूं टू की वजह से, वो तो एफ वन टू ही लगेगा, ध्यान रखना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा तीसरे चार्ज आने की वजह से, लेकिन ओवरऑल मैं बात करूं तो चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा भाई, रिमेन सेम रहेगा, है ना, जो पहले लग रहा था वही लगता रहेगा। फिर बात कर रहा है नेट फोर्स ऑन क्यू वन, तो नेट फोर्स, हाँ नेट फोर्स में जरूर चेंजेस है, नेट फोर्स में कितना लग जाएगा, एफ वन टू प्लस एफ वन थ्री, ये टोटल फोर्स लगेगा। अब नेट फोर्स तो मतलब टोटल फोर्स, है ना, टोटल फोर्स तो अब ये लगने लग गया क्योंकि थ्री भी धक्का मार रहा है इसको और टू भी धक्का मार रहा है इधर, है ना, तो दोनों के दोनों पुश कर रहे हैं इसको एक तरह से, तो ये नेट फोर्स तो जरूर चेंज हो जाएगा। तो और क्या होगा अब ये हमें देखो यहाँ पे डिपेंड करता है थर्ड चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है और वो दोनों भी पॉजिटिव थे, तो ये देखो फोर्स क्या होगा, एक तरह से इसको धक्का ही मार रहे हैं, है ना, तो ये क्योंकि सेम चार्ज है तो धक्का मारेंगे, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल ही होंगे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा इसका, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ध्यान रखना। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसका, इंक्रीज हो जाएगा और उसमें क्यू वन क्यू टू रिमेन सेम रहेंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन फिर आ गया है आपके पास, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ढंग से देखना। ए फोर्स बिटवीन द टू आइडेंटिकल स्पेयर ए एंड बी आर सेम चार्ज एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ आर, आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, उनमें वैक्यूम में फोर्स है एफ, ये ध्यान रखना कि वैक्यूम में कितना फोर्स दे रखा है आपका, एफ दे रखा है वो, ठीक है, जब दोनों ए और बी चार्ज थे उनके ऊपर जो भी चार्ज था, है ना, सेपरेटेड था डिस्टेंस में, वैक्यूम में फोर्स एफ लग रहा था, इस टाइम एफ फोर्स लग रहा है उनके बीच में, ठीक है। थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर सी इज फर्स्ट ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ए एंड बी फाइनली और सी इज टेकन अवे, फोर्स बिटवीन द ए एंड बी बिकम, तो ए और बी के बीच में क्या होगा। तो देखो यहां पे एक कंडीशन है कि पहले, है ना, कि पहले दो फोर्सेस थे, दो ऐसे स्पेयर थे ए और बी, ठीक है, उनके बीच में ऐसे आर डिस्टेंस थी जो भी थी, तो इनका फोर्स जो बन रहा था वो कितना बन रहा था, एफ के
Q1, Q2 जो भी है आइडेंटिकली ये ध्यान रखना, तो क्यू स्क्वायर बोल सकता हूं मैं दोनों पे चार्ज, क्यू क्यू ही था हमारा है ना, इस पे भी क्यू चार्ज था और इस पे भी क्यू चार्ज था, तो क्यू क्यू के और आर स्क्वायर, ये था पहले। फिर बाद में क्या किया, ए और बी में से, ए और बी के में से पहले किसके टच किया, एक सी लाया और इसको कनेक्ट किया गया, ठीक है, ये ए है आपका, ये बी है, ठीक है, और ये सी है। तो अब यहां पे क्या हुआ, बी के पास में सी लाया गया, तो बी और सी में क्या हुआ होगा, जैसे हम कनेक्ट करेंगे, जैसे हम कनेक्ट करेंगे बी और सी को, तो ये जो भी चार्ज था, और इसमें तो कोई चार्ज था नहीं, तो इनमें चार्ज डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये चार्ज पहले कितना था, इस पे क्यू और इस पे जीरो, तो जैसे हम कनेक्ट करेंगे है ना, कनेक्ट करेंगे तब तक चार्ज होगा जब तक, और इस पे सेम है ध्यान रखना, आइडेंटिकली स्पेयर है, मतलब इक्वल साइज के हैं ये, तो यहाँ पे क्यू आई टू डिवाइड हो जाएगा, जैसे हम ये कनेक्शन हटाएंगे तो क्यू आई टू डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में फिर इसने क्या किया, ए के पास में कनेक्ट किया उसको है ना, जो सी था आपका, जिसके पास क्यू आई टू चार्ज आ गया था, और इसके पास अभी कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है इसके पास है ना, तो इसको और इसको वापस कनेक्ट किया गया है ना, तो कितना हुआ इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये ए और सी को कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे जैसे कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों का टोटल करके डिवाइड दे दो, तो क्यू प्लस क्यू बाई टू ये हो गया थ्री, थ्री बाई टू है ना, तो थ्री क्यू बाई फोर, आधा आधा, थ्री क्यू बाई फोर, ये कैसे आया, ये देखो क्यू प्लस क्यू बाई टू, इन दोनों को ऐड करो तो थ्री क्यू बाई टू, थ्री क्यू बाई टू टोटल चार्ज हो गया, अब इसका आधा आधा कर दो तो कितना कितना हो जाएगा, थ्री क्यू बाई फोर और थ्री क्यू बाई फोर, टू का डिवाइड दे दिया है ना, तो ये ए के पास हो जाएगा, ये सी के पास हो जाएगा। अब फाइनल मेरे पास चार्ज आ गया, मुझे पता चल गया कि ए के पास कितना चार्ज है, थ्री क्यू बाई फोर, और बी के पास कितना है, क्यू बाई टू है ना, तो अब मैं निकाल लेता हूं इनके बीच में फोर्स, तो ए के पास कितना आया, ए के पास आया थ्री क्यू वाई फोर है ना, और बी के पास कितना आया, क्यू वाई टू, क्यू वाई टू, ठीक है, तो अब फोर्स का पता कर लो, के क्यू, क्यू कितना है, थ्री क्यू वाई फोर मल्टीप्लाई क्यू वाई टू डिवाइड में आर स्क्वायर, तो ये कितना हुआ, ये थ्री वाई एट, थ्री वाई एट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जो नया फोर्स है आपका वो ये आ गया, और ये अपना ऑलरेडी था हमारे पास स्टार्टिंग में, तो इसको एफ बोल देंगे, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, थ्री वाई एट एफ, ये आपके पास फोर्स आ जाएगा, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है, थ्री एफ वाई एट, आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा वो देगा कि पहले ए से कनेक्ट करवाएगा वो है ना, फिर बाद में बी से करवाएगा, फिर बाद में सी को अलग कर दो, और फिर बताओ कि ए और सी के बीच में कितना फोर्स लगाइए, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ध्यान रखना, ऐसे स्टेप्स रखना कि पहले उसका फोर्स लग लो, दोबारा ए और बी को रखो, लेकिन बी और सी को कनेक्ट करो, सी और सी के पास कोई चार्ज नहीं है, बी के पास चार्ज है, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा क्यू आई टू, क्यू आई टू, अब सी के पास क्यू आई टू आ गया, अब उसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं, ए से, ए से कनेक्ट करके दूर ले जा रहे हैं वापस, तो ये देखो इसमें फिर वापस इन दोनों का सम होएगा, सम होके टोटल सम, सम का आधा आधा डिवाइड हो जाएगा दोनों में, तो ए पे थ्री क्यू आई फोर हो जाएगा, इसमें भी थ्री क्यू आई फोर हो जाएगा। अब फिर वो पूछ रहा है कि बी और ए के बीच में फोर्स कितना है, तो बी और ए को दोनों को ऐसे रखो, दोनों पे चार्ज दिखा दो, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ध्यान रखना, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब फोर्स निकाल लो, अब फोर्स को कंपेयर कर लो पहले से, तो अपना ये आंसर आ जाएगा, ओके अंडरस्टैंड, ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख सकते हो, ये 10-15 सेकंड पीछे लेके, ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह बोला गया है कि टू स्पेयर हैविंग द इक्वल चार्जेस, देखो इक्वल चार्जेस है वो है ना, एग्जर्ट बाय द फोर्स एफ, एफ फोर्स दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं ऑन ईच अदर, ओके नाउ अब क्या हुआ, अब उसमें 20% चार्ज ऑफ द वन स्पेयर इज ट्रांसफर टू द अनदर स्पेयर, इसका मतलब एक पे 20% दे दिया, तो एक पे कम हो गया होगा और एक पे ज्यादा हो गया होगा है ना, तो वही पूछ रहा है, तो देन फाइंड द न्यू फोर्स, न्यू फोर्स हमें फाइंड करना है बिटवीन द इन द टर्म ऑफ द एफ, एफ की फोर्स में, देखो पहले जो इनिशियल कंडीशन थी वो ऐसी थी कि दो स्पेयर है, दोनों पे इक्वल चार्ज है क्यू क्यू है ना, और ये इनके बीच में जो भी डिस्टेंस वगैरह है, तो यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे थे एफ, तो इसका फॉर्मूला था के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर है
है ना, ये था हमारा, ये कंडीशन थी। बाद में उसने क्या किया, एक पे तो कितना चार्ज कर दिया, एक पे तो 20%, 20% मतलब ये बच गया, 20% कम हो गया इसका, तो इस पे बच गया होगा 80%, मतलब 0.8 क्यू, है ना, और इस पे बच गया 120, तो इसका मतलब 1.2 क्यू, है ना। अरे 20% परसेंटेज तो निकालना आता है ना तुम्हें, कि 100% माने, इसको 100% माने तो इसका 20% कम कर दो, तो 20 100 में से 20 किया तो 80% मतलब 80 अपॉन डिवाइड तो 0.8, तो 0.8 क्यू इसमें बच गया और इस पे एक्सेस हो गया, है ना, 120 का मतलब 100 से डिवाइड 1.2 क्यू, है ना, तो इतना इतना चार्ज बच गया। और डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, वैसी की वैसी है हमारे, है ना, तो ऐसे कर लिए। अब इनके बीच में जो भी फोर्स है वो निकाल लो, तो नया फोर्स कितना होगा, के Q1 कितना है, 0.8 क्यू इंटू 1.2 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये 0.8 और 0.12, 12.8 जा कितना होता है 0.96, 12.8 जा 96, दो जोड़ के पॉइंट लगाएंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.96 मल्टीप्लाई के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना, एफ डैश, और ये हम एफ को दिखा रहे हैं, तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी, 0.96 एफ, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ओके, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ओके, तो ऐसे करना है आपको। जरा और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, जैसे ये है, यहां पे बोल रहा है 12 कूलम चार्ज है, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टू स्पीयर, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, ध्यान रखना टू स्पीयर के बीच में, है ना, दो स्पीयर को देने हैं, ऐसे हैं दो स्पीयर, उन पे 12 कूलम देने हैं, आगे कंडीशन देखो, सेपरेटेड बाय 2 मीटर, जो 2 मीटर पे रखे हुए हैं दोनों स्पीयर, ठीक है, देन फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्पीयर, चार्ज भी बताना है आपको, क्यू भी बताना है, ठीक है, Q1 Q2 भी बताना है, और क्या बोला है, फोर्स बिटवीन द मैक्सिमम होना चाहिए, ध्यान रखना उनके बीच में जो भी फोर्स लगे वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब यहाँ पे एक कंडीशन नोट कर लेना तुम, कि कभी भी आपको टोटल चार्ज दे रखा है सिस्टम का और वो आपको ऐसे बोले कि मैक्सिमम चार्ज पता करना है हमें, मतलब मैक्सिमम फोर्स पता करना है कि चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि ना फोर्स आपका मैक्सिमम मिले, तो ध्यान रखना मैक्सिमम तभी मिलेगा यदि आइडेंटिकल स्फीयर है, मतलब दोनों की शेप एंड साइज इक्वल है, तो आप काम ऐसे कर सकते हो कि उनको जो चार्ज दोगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो इक्वली दे दो, 1:1 के फॉर्म में दे दो आप इस, है ना, तब आपका जाके जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब सिस्टम का जो टोटल चार्ज था, इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज था वो क्या था, 12 कूलम था अपना, है ना, तो अब इस 12 को इक्वली हमें देना है, तो इस पे क्या करूंगा मैं, इस पे 6 कूलम दे दूंगा, इस पे भी 6 कूलम दे दूंगा 1:1 में। इसका मतलब आपका चार्ज तो आपको पता चल गया, क्योंकि आपको फोर्स मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए चार्ज इक्वल देना पड़ेगा हमें, तो इसका आंसर इसका तो आएगा 6 कूलम, दोनों चार्ज का वैल्यू 6 कूलम हो जाएगी, ठीक है। फिर बाद में अब इसका फोर्स निकालना है, तो मैक्सिमम फोर्स निकाल लो, तो क्योंकि दोनों इक्वल है फोर्सेस, इसलिए जो अपना फोर्स आएगा वो मैक्सिमम ही आएगा, तो के क्यू 6 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या है 9 × 10⁻⁹ 9 × 6 × 6 4, अब देख लो यहां पे 3, यहां पे 2, ठीक है, यहां पे 3 9 81 × 10⁹ 9 न्यूटन, ओके, तो ऐसे आप मैक्सिमम फोर्स निकालोगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके, ओके। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब आता है वेक्टर फॉर्म, गुलाम्स का वेक्टर फॉर्म, ध्यान रखना अभी कहानी खत्म नहीं हुई है ना, अभी तो सिर्फ फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, अभी तो मल्टीपल फोर्सेज और आएंगे, ठीक है, आपने कूलम्स लॉ देखा, कूलम्स लॉ से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आए पॉइंट चार्जेस के लिए, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है, तो आओ अब देखते हैं नेक्स्ट कूलम्स लॉ, तो कूलम्स इसमें वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे हम
इनकी वेक्टर फॉर्म दिखाएंगे। यहाँ पर भी दो तरीके हैं कि आपका वन चार्ज है जो कहां पर है, ओरिजिन पे है, और जो आपके दोनों चार्जेस हैं, नन ऑफ द चार्ज एट ओरिजिन, कोई सा भी चार्ज ओरिजिन पे नहीं है। यदि आपका चार्ज ओरिजिन पे है तो ऐसा हम बना सकते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज कहां पे है, इसके ओरिजिन पे, और एक चार्ज हवा में है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो इसके बीच में ऐसे हम फोर्स सेंटर लाइन बनाए तो फोर्स इसके अलोंग लगेगा। मान लो ये Q1 है और ये Q2 है आपका, है ना, तो आपका फोर्सेस की जो वैल्यू रहेगी वो इधर ही रहेगी, इधर ही फोर्स लगेगा आपका, है ना। तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो इसके लिए वेक्टर फॉर्म जो दिखा रहे हैं हम, अब यहाँ पे ये ही होगा यहाँ पे वेक्टर, तो है ना, जो भी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में है वो इसी में रिप्रेजेंट होगा आपका वेक्टर। कैसे होगा, देखो एफ वन टू जो ट्यूब वन जो भी है वो इसी के अलोंग लगेगी हमारी, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं फोर्स दिखाऊं, इस फोर्स को दिखाऊं, ये टू वन मान लो एक तरह से, तो एफ टू वन दिखाऊं मैं, या फिर इधर भी बता सकते हो एफ वन टू, ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इसका मतलब ये जो इसके बीच की लाइन होगी वही क्या करेगी, इसके इसकी डिस्टेंस को दिखाएगी, इसके वेक्टर को दिखाएगी। अब आपको पता है वेक्टर फॉर्म ये दिखाने के लिए क्या होता है, जब फोर्स लिखते हैं हम तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, इन टू इसकी डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन हम आर कैप लिखेंगे। आर कैप मतलब जो भी आर की जो डायरेक्शन होगी वो ही इस फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आर कैप है, तो आर कैप को जब हम सोल्व करते हैं, आर कैप को हम सोल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ये लिखा जाता है। ध्यान रखना, कभी भी किसी की डायरेक्शन को लिखना है तो उसका वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड दोगे तभी उसकी डायरेक्शन निकल के आएगी। तो इसकी डायरेक्शन की जगह हम यहाँ पे रख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इन टू आर वैक्टर अपॉन आर। तो हम वैक्टर फॉर्म को फाइनली कैसे लिखेंगे, हम फाइनली ऐसे लिखेंगे, देखो तो यहाँ पे के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वैक्टर, ऐसे, समझ गए, ठीक है ना। तो आप अपने फोर्स को वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये कब है, जब एक चार्ज ओरिजिन पे है, और यदि ओरिजिन पे नहीं है तो देखो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तब उसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ऐसे दो चार्जेस मान लेंगे कि यहाँ पे एक क्यू वन है और यहाँ पे Q2 है, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है। तो ओरिजिन से यहां से आपकी जो वेक्टर्स है वो यहां से हम मानेंगे ये R1 वेक्टर है और ये आपका R2 वेक्टर है, ठीक है, और इनको मिलाने वाली जो लाइन है वो ये है, ठीक है। तो ये जो मिलाने वाली लाइन है इसके अलोंग फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों के लिए हम इसकी लेंथ निकालेंगे, ये जो आर की वैल्यू है वो निकालेंगे हम वेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि इसका वेक्टर ये है, इसका वेक्टर ये है, तो ये एक रिजल्टेंट आ रहा होगा एक तरह से, या फिर मैं बोलूं किसी में भी एक में वेक्टर में निकालो कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, है ना, वेक्टर एडिशन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इस जो आर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी एक तरह से, मान लो ये हुआ और ये हुआ, तो ये इसके रिजल्टेंट को दिखा रहा होगा, तो R क्या होगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 ऐसे लिख सकते हैं। अरे दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, है ना, वेक्टर एडिशन में, वेक्टर एडिशन में पता है ना ऐसे कि दो वेक्टर कंजुगेट हो ऐसे, ये इसके बाद में ये, तो ये जो थर्ड वेक्टर होगा वो इसके रिजल्टेंट को दिखाएगा। तो ऐसे मैं बोल रहा हूं कि ऐसे कि ये R1 इसके रिजल्टेंट को दिखा रहा है, तो R1 प्लस R इक्वल टू R1, है ना। तो R की वैल्यू निकालूंगा तो R1 को पीछे भेजना पड़ेगा मेरे को, निकल गया आराम से, है ना। तो डिपेंड करता है आप इधर से ले रहे हो या इधर से ले रहे हो, ठीक है। तो ये R की वैल्यू है आपकी, ठीक है। अब ये R की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वेक्टर, ये आर स्क्वायर इंटू ऑफ आर वेक्टर। अब आर वेक्टर में ये आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ये, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो देखो के ये क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर अपॉन आर वेक्टर, ये आर कैप है यहाँ पे, ठीक है। आर कैप है तो आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, तो आर क्यूब इंटू
आर वेक्टर। अब आर वेक्टर में तो आर वेक्टर लिखोगे यहां पे, मतलब ये के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब मतलब इसका मैग्नीट्यूड, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड रखोगे यहां पे, ठीक है, इनटू ऑफ R2 माइनस R1 जो आपका वेक्टर है, ये वेक्टर रखोगे। तो ये वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है। ऐसे आपका ओरिजिन यदि उस पे नहीं है, ओरिजिन पे कोई चार्ज नहीं है, तो उसको इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। बाकी काम कहीं नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आ सकता है काम। कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे सकता है चार्ज की, मतलब कोई ना कोई कोऑर्डिनेट दे देगा और दूसरे चार्ज का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट दे देगा। तो तुम्हें पहले वेक्टर निकालना है, आर निकालना है, दो की दोनों को माइनस करके, ठीक है, आई जी के की फॉर्म में निकालोगे तब जाके होगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे, सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? ये बोलता है कि जब चार्ज, कोई एक चार्ज हो, उस चार्ज के ऊपर और भी सारे, बहुत सारे चार्जेस, मतलब अलग अलग चार्जेस हो। मान लो इस चार्ज और इस चार्ज में एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वैल्यू है F1, ठीक है, और कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है और इसके इसके ऊपर इसकी वजह से एक फोर्स लग रहा है F2, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्टेंट हमारा कहीं ना कहीं आ रहा होगा, बीच में आ रहा होगा, भाई इस पे भी ये फोर्स, ये भी खींच रहा है, वो भी खींच रहा है, तो रिजल्टेंट तो हमारा बीच में आ रहा होगा। मान लो ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों पॉजिटिव क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे इसको, तो इसी के अलोंग रहेगा और इसमें अलोंग रहेगा, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हो सकता है बीच में हो आपका, ठीक है। तो F1 F2, तो यहाँ पे जो सुपर पोजिशन है वो यही बोलता है कि आपका चार्ज जो नेट नेट या रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो सबके वेक्टर एडिशन के सम के इक्वल होता है। F1 F2 F3 जितने भी हैं उनका सबका वेक्टर सम होना जरूरी है, ठीक है। तो वेक्टर सम से जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आपका फाइनल रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन होता है, ध्यान रखना फोर्सेज में, क्यों? क्योंकि फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो जैसे अभी यहाँ पे और भी हम दे सकते हैं, जैसे ये 3 है ना, तो यहाँ पे भी 3 की वजह से एक इधर फोर्स लग रहा होगा F3, है ना, और भी लग रहा होगा यहाँ पे, मान लो एन नंबर का कोई है तो FN लग रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, FN लग रहा होगा। तो ऐसे चलता जाएगा डेस 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 FN तक, जितने भी हमारे पॉइंट चार्जेज होंगे उनके सबका हम वेक्टर एडिशन के लिए ऐसे हम रखेंगे, ध्यान रखना, ओके। तो ये है सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन में क्या है कि एक चार्ज है, उस चार्ज के अराउंड चारों तरफ कोई चार्जेस रखे जाते हैं, तो उनका जो नेट चार्ज है या नेट फोर्स है ना, तो नेट फोर्स क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा उनका, सबका सम होगा वेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें जैसे हम मैं बोल रहा हूं कि ये एक आपका एक ही चार्ज है, यहाँ पे क्या है, एक ही चार्ज है Q, ठीक है। बाकी यहाँ पे Q1 Q2 ये स्मॉल मान लो, यहाँ पे ये Q3 और यहाँ पे Qn जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फोर्स की वैल्यूज डालू तो एफ नेट मेरा क्या होना चाहिए, एफ नेट वेक्टर में होना चाहिए K Q1 K Q और Q1 अपॉन R1, ये जो भी डिस्टेंस होगी उनके बीच की, R1 या फिर R12 जो भी है ना, नोट वन मान लेते हैं, प्लस फिर दूसरे वाले की K Q Q2 डिवाइड में R02 प्लस SS है ना, और फिर चलेगा K Q Qn अपॉन R0n, ऐसे चलता रहेगा, स्क्वायर भी है ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू कॉमन आ रहा है, तो के क्यू कॉमन ले लो, क्योंकि इसी चार्ज भी निकाल रहे हैं, जिस चार्ज पे आप फोर्स निकाल रहे हो उस चार्ज को लिख देंगे, बाकी और सबका समीशन हो जाएगा, है ना, किस किस का, Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, डैश 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 चलता रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K Q, है ना, K Q समीशन, या फिर यहाँ पे लगा दो समीशन अपॉन RI और QI, और I की वैल्यू कहाँ से, 1 से लेके N तक जो भी है। तो यहाँ पे F नेट का ये फॉर्मूला आ जाता है आपका वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ऐसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और ये सब वेक्टर एडिशन होता है, ध्यान रखना सबका सब, ठीक है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था आपका। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो ये अब क्वेश्चन है आपके पास बेटा, तो यहाँ पे अब देखेंगे हम नेट फोर्स ऑन द चार्ज बी।
तो देखो बी चार्ज कहां पर है, ये देखो आपका बी चार्ज यहां पे है बेटा, और आपका ए चार्ज यहां पे है, और दूसरा सी चार्ज यहां पे है, ठीक है। ये क्यू है, ये भी क्यू है, और ये भी क्यू है, ठीक है। और इनके बीच में आर डिस्टेंस है, दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है, एंगल आपका कितना है 60 डिग्री है बेटा, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, वही हम काम, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है ना, सेंट्रल फोर्स है मतलब इनको मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग क्या लॉन्ग लगेगा। अब ये दोनों चार्ज सेम है तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो इस पे इधर की साइड फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से एकदम सीधा जाएगा, इधर इधर की साइड लगेगा, ठीक है। तो ये एफ बी पर सी की वजह से, और ये एफ बी पर ए की वजह से, तो एफ बी ए और एफ बी सी, है ना, ये दोनों फोर्सेस हैं, और इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, है ना। तो ऐसे, तो देखो यहां पे हम ऐसे वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पे एफ बी सी है और एफ एफ बी ए है और एफ बी सी है, इधर दोनों के बीच में 60 डिग्री है। और आपको ये पता होना चाहिए यदि इक्वल चार्जेस हैं, है ना, तो हम एक फोर्स का निकाल सकते हैं ऐसे एफ बी ए और एफ बी सी, मैग्नीट्यूड में बी ए दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा, है ना। जो भी आपका फोर्स है वो कितना होगा बेटा, यही रहेगा, कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि फोर्स ही सेम है आपके, तो आपको एक फॉर्मूला लगाएंगे रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला, याद करो हम वेक्टर में ऐसे ही याद कर देते हैं एफ वन का स्क्वायर एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, है ना, जो कॉस थीटा क्या होता था, दोनों एफ वन एफ टू के बीच का एंगल, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे एफ फोर्स आपका कॉन्स्टेंट है, दोनों फोर्स है ना, एफ ही है आपका, है ना, तो यहाँ पे हम फोर्स को एफ ही मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एफ का स्क्वायर और प्लस टू एफ स्क्वायर, एफ वन एफ टू दोनों सिमिलर है तो एफ स्क्वायर हो गया और कॉस थीटा, ठीक है, और उसकी वैल्यू 60 डिग्री। एफ स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एफ स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर आया एफ स्क्वायर रूट तोड़ के, और यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू कॉस 60, 2 इंटू कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1 बाई टू, तो 1 हो गया, इसका मतलब रूट ऑफ 3f हो गया, रूट ऑफ 3f, f की वैल्यू अब रख दो, तो रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई ऑफ के क्यू वन क्यू टू या फिर क्यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप देख लो यदि मैग्नीट्यूड में सेम तो नहीं है, मैग्नीट्यूड में सेम है फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, जो पहले कॉमन आ रहे हैं उन चीजों को कॉमन ले लो, और बड़ा इजी हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है 1 बाई टू है, तो 1 बाई टू से 2 कट गया यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए 1 यहाँ है यहाँ पे, ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट एक और देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ए बी सी, यहाँ पे तीन चार्जेस रखे हुए हैं, क्यू वन माइनस क्यू और प्लस का क्यू, तीन चार्जेस रखे हुए हैं, किस पे निकालना है, फाइंड आउट द फोर्स नेट चार्ज ऑन प्लेस्ड एट बी, बी पे जो है, बी पे जो है इस पे नेट फोर्स निकालना है आपको, है ना, नेट फोर्स इस पे निकालना है, इस वाले पे, तो निकाल लोगे। देखो ये है चार्ज पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, ठीक है, और ये है चार्ज पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये किस में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अरेंजमेंट ऐसा दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है बट ध्यान रखना तीनों साइड्स इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया आपका, ठीक है, 60 डिग्री हो गया, तो इसमें जो भी रिजल्टेंट होएगा वो बीच में होएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है आपको, तो वही यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, पहले एफ बी पे सी की वजह से और इधर एफ बी पर ए की वजह से, ठीक है, तो एफ बी ए वही वापस क्वेश्चन है, एफ ए बी इक्वल होगा कितना होगा मैग्नीट्यूड में, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड, नहीं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो भी आपका ए स्क्वायर है, जो भी साइड स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही उतना ही लगभग लगभग उतना ही आएगा, रूट थ्री ऑफ के क्यू वन अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर,
या फिर ए स्क्वायर जो भी है, तो ये एफ नेट उतना ही आएगा जो पहले वाले केस में आया था, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहेगी, ध्यान रखना। बी पे पूछा है तो वो ऐसा रहेगा, बस इसमें डायरेक्शन का ही रोल है, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करने से आपका जो सेंटर की तरफ रहेगा, इसका जो भी यहाँ पे एक सेंटर रहेगा ना उसकी तरफ रहेगा इसका नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, तो वो इसकी डायरेक्शन रहेगी। ये भी सेम ऊपर वाले की तरह ही था, जैसे ये है फोर्स, क्वेश्चन है आपके पास कि इस क्वेश्चन में है नेट फोर्स निकालना आपको वापस से चार्ज प्लेस एट अ बी, बी पे जो भी चार्ज है उस पर आपको नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। अरेंजमेंट गिवन दे रखा है साइड ऑफ द ईच ऑफ द स्क्वायर इज ए, यहाँ पे हर स्क्वायर की साइड कितनी है भाई, ए है ना, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो वापस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन वही दिखाएंगे हम। तो देखो इस चार्ज पे ए की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, है ना, ए की वजह से, तो ये हमारा एफ बी ए हो गया, ठीक है। सी की वजह से लगेगा वो एकदम सीधा सीधा नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव, अच्छा नेगेटिव चार्ज है, ओके एक मिनट बेटा, नेगेटिव चार्ज ऊपर वाला आपका, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये कौन सा फोर्स है एफ बी पे कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वो खींचेगा उधर, है ना, और ये वापस क्या है डी, है ना, तो डी वापस पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा ये नेगेटिव चार्ज था, ओके ये बेटा नेगेटिव चार्ज था, ये भी नेगेटिव चार्ज था, तो ये भी क्या करेगा खींचेगा इसमें, है ना, तो एफ बी ए ये इसको खींचेगा, एफ बी सी ये भी खींचेगा, और ये क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, ये वाला फोर्स क्या करेगा बेटा रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये रिपेल करेगा, ये भगाएगा उधर की साइड, ठीक है। तो ये कौन सा है फोर्स आपका एफ बी डी, एफ बी डी, बी पे डी की वजह से रिपेल करेगा, और बाकी ये दोनों क्या करेंगे यार, ये दोनों क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों तो अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये रिपेल कर रहा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, अब जैसे ये 90 डिग्री है तो इधर 45 और इधर 45, है ना, तो 45 45 पे आ जाएगा। तो देखो इसका हम रिजल्टेंट निकालते हैं दोनों का, 90 डिग्री है दोनों के बीच में, तो इधर आ जाएगा, या तो फिर ऐसे कर लो, डायरेक्ट कर लो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, है ना, पहले क्या करेंगे हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, पहले क्या करो इन दोनों को सॉल्व कर लो। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर इस डायरेक्शन में, है ना, इसके डायगोनल के डायरेक्शन में, और इस डी की वजह से इधर आएगा, ठीक है। तो एफ बी डी आएगा इधर, और एफ ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा उसको एफ डैश बोल देते हैं। तो एफ डैश कैलकुलेट करते हैं पहले, एफ डैश किस किस का है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ किस किस का है बेटा, ये ए और A एंड B, A एंड C की वजह से, A और C वाले का जो कंपोनेंट है ना उनका रिजल्टेंट है F डैश, वो कितना है बेटा, ये F का F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है दोनों फोर्सेस इक्वल है, तो फोर्स F कॉमन ले लूंगा मैं, अंदर क्या क्या बचेगा 1 प्लस 2 cos, cos कितना है 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है cos 0 की वैल्यू 1, 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया, इसका मतलब f रूट 2, ये हो गया आपका f डैश। अब f डैश की वैल्यू आ गई कितनी, रूट 2 f, है ना, और ये इधर fd लग रहा है fbd, तो fbd भी देख लो, fbd 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 कितना आएगा, ये इस डायरेक्शन में fbd आएगा k q q1 q2 मतलब q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये इसकी जो डिस्टेंस है वो निकालनी पड़ेगी हमें। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये देखो ये जो डिस्टेंस निकालना है आपको, ये जो डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है, तो ये कितनी होगी, आपको पता है ये a है और ये भी a है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये a अपॉन रूट टू, ए रूट टू आ जाएगी, ये रूट टू, ये रूट टू ए आ जाएगी आपकी, ये डिस्टेंस है ना, ये वाले डायगनल की, तो डायगनल की डिस्टेंस रख दो रूट टू, तो रूट टू का स्क्वायर रूट टू ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, और इसमें कितना है रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर,
तो इसमें रूट टू ऊपर है, इसमें टू नीचे है ना, दोनों ये इधर है और ये इधर है, तो इसका जो नेट आएगा वो नेट आएगा बेटा, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो बड़ा बड़ा कौन सा है, ये है या ये है, ये है देखो, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में है तो ये बड़ा है, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये वाला बड़ा फोर्स है, तो रूट टू या फिर के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या क्या बचा हमारा, रूट टू बचा, रूट टू, और ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस करेंगे, तो माइनस ऑफ 1/2 बच जाएगा, ठीक है। बाकी के क्यू स्क्वायर अपना कॉमन आ गया, ये और ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट फोर्स ये आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे है, और ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन में दे रखा होगा आपका, ठीक है बेटा। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चंस आपको, ठीक है। अब आता है इक्विलिब्रियम सिस्टम का, ठीक है, फिर जाके आपका फोर्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा आपका। इक्विलिब्रियम में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी दो स्ट्रिंग ऐसे लटका के कोई चार्ज रख देते हैं जिनका एम मास होता है, ठीक है, M1 M2 मास हो सकता है इनका, और Q1 Q2 कोई दो चार्जेस हो सकते हैं, और उनके बीच में उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, या तो वो इसके एंगल के बारे में पूछ लेता है या फिर वो इसके टेंशन के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, कि स्ट्रिंग में कितनी टेंशन आएगी, है ना, सस्पेंडेड है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होता है और इलेक्ट्रोस्टेट फोर्स भी लग रहा होता है। ग्रेविटेशनल किधर लगेगा बेटा, नीचे की तरफ लगेगा, जो कितना होगा mg लगेगा, है ना, और इलेक्ट्रोस्टेट क्या लगेगा, दोनों सेम चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, और इसमें ग्रेविटेशनल इधर नीचे लग रहा होगा, ये भी mg लग रहा होगा, इधर ग्रेविटेशनल लग रहा होगा Fe, इलेक्ट्रोस्टेट फोर्स बोल सकता हूँ Fe, है ना, जो डिपेंड करेगा इसके चार्जेस पे, है ना, और एक टेंशन लग रहा होगा, जो टेंशन यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ से हम इसके कंपोनेंट कर सकते हैं कि ये और ये ऐसे, ठीक है, तो ये थीटा है तो इधर भी थीटा होगा भाई, ये जब थीटा है ना तो ये थीटा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी कोस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, है ना, सेम सिमिलर उस पर कर सकते हैं हम। और आपका जो इलेक्ट्रोस्टेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन जो भी दोनों के बीच की डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे डिस्टेंस एल है या फिर ये वाई है, तो वाई का जो भी हम कंपोनेंट लेंगे वो आ जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे है तो ये, जैसे ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है और इसकी कुछ ना कुछ लेंथ दे रखा होगा, ठीक है, तो उस लेंथ के अकॉर्डिंग भी हम कुछ ना कुछ मान के ये कर सकते हैं। जैसे अभी तो हम यहाँ पे डी ले लेते हैं ये डिस्टेंस, ठीक है भाई, ये जो बीच की डिस्टेंस है वो डी है ये मान के कर लेते हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टेट फोर्स आ गया, ये ग्रेविटेशन फोर्स आ गया। अब यहाँ पे कुछ कुछ इक्वेशन बन जाती है, तो इसमें ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम वाले में जब ये इक्विलिब्रियम में है तब की बता रहा हूं मैं, कि ये इक्विलिब्रियम में है तो ये मतलब ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो रहे होंगे, तब हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम आ गया, और वाई डायरेक्शन में एम जी टी कॉस थीटा को मतलब वो कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, तब आएगा। इसका मतलब आपका टी कॉस थीटा है, जो टी कॉस थीटा है वो एम जी के बराबर आ रहा होगा, है ना, और दूसरा आपका एफ ई या फिर टी साइन थीटा बोलूं मैं, टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई हो रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टेट का फोर्स हो रहा होगा। इन दोनों इक्वेशन से भी एक तीसरी इक्वेशन लिख सकते हैं हम, कि सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट करेंगे तो आपका टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है, एफ ई ऊपर रहेगा नीचे एम जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी आपको ध्यान रखना है, ये तीन इक्वेशन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बड़ी यूज आएगी, ध्यान रखना, ओके। तो ये ऐसे आप क्वेश्चंस कर सकते हो कोई सा भी, ओके। अब वो आपको टेंशन पूछा है तो एंगल पता कर लो, एंगल पता करने के लिए एफ ई का पता ही आपको, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर आएगा, है ना, तो ऐसे एंगल निकाल सकते हो, टेंशन निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो, उसका मास निकाल सकते हो, कोई सी भी वैल्यूज रहेगी वो ऐसे आप कैलकुलेट करके निकालना है आपको, ओके। अब इसी के अंदर है ना, वो कभी कभी है ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, वो कभी कभी बोलता है बताओ इसमें चार्ज डिफरेंट रहा तो ये एंगल क्या डिफरेंट रहेगा, है ना, तो इस एंगल के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे इस टाइप से है, दो चार्जेस हैं, है ना, और यहाँ पे एंगल है कुछ ना कुछ, है ना, यहाँ पे पहला केस नंबर एक देखते हैं हम, है ना, केस नंबर एक देखते हैं, जब आपका मास इक्वल है, M1 M2 इक्वल है ना, लेकिन M1 M2 भी इक्वल है और चार्ज भी इक्वल है, ठीक है, तो इसमें थीटा क्या होगा, थीटा भी आपका इक्वल होगा, ध्यान रखना। जब मास सेम है तो ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल है और इलेक्ट्रोस्टेट फोर्स इक्वल है, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो थीटा दोनों में इक्वल रहेगा। फिर केस आपका सेकेंड है ये,
सेकंड केस में आपका मास इक्वल है, ठीक है, लेकिन चार्ज चार्ज इक्वल नहीं है, चार्ज इक्वल नहीं है तो क्या होगा, तो भी आपका थीटा वन और थीटा टू सिमिलर होगा। ध्यान रखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्वल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे जो इसको बैलेंस कर रहा है, जो इसको नीचे लेके आ रहा है, वो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। ध्यान रखना ये, है ना, हो सकता था मास इसमें ज्यादा होता तो इधर आ जाता और ये मास ज्यादा होता तो उधर चला जाता, है ना, तो एंगल कम होता और फिर वो एंगल ज्यादा हो जाता। लेकिन मास इक्वल है, जब तक मास इक्वल है तब तक इसके एंगल्स इक्वल मिलेंगे आपको, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स ही है ना इसको इक्विलिब्रियम में ला रहा है। इलेक्ट्रोस्टेट तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वल कर रहा है, वर्टिकल को कौन कंपोनेंट कर रहा है, वो ये कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, मास कर रहा है। तो मास मास की वजह से ऐसा रहेगा। फिर मान लो केस नंबर थर्ड है आपका, कि आपका मास भी मास इक्वल नहीं है, मास इक्वल नहीं है लेकिन चार्ज इक्वल है ना, तो आपके ध्यान रखना थीटा वन और थीटा टू इक्वल नहीं रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मास ही डिफरेंट है तो कुछ ना कुछ एंगल में कोई ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, मतलब हो सकता है कम ज्यादा हो। तो इसके भी सब केस देख लेते हैं हम इसमें भी, कि कैसे, कि मान लो मास m1 ज्यादा है m2 से, है ना, ये मास आपका थोड़ा ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो mg नीचे आएगा, है ना, भार इसका वेट नीचे ज्यादा आएगा तो एंगल कम हो जाएगा, इसका मतलब जो थीटा वन है वो कम हो जाएगा थीटा टू से, ये ध्यान रखना। और इसका उल्टा आपको पता ही है, एक केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो सकता है कि आपका मास m2 ज्यादा हो m1 से, है ना, तो आपका थीटा वन ज्यादा हो जाएगा, थीटा वन आपका ज्यादा हो जाएगा थीटा टू से, ध्यान रखना। तो इसको उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना थीटा वन ज्यादा हो जाएगा आपका, क्योंकि मास m2 अपना ज्यादा हो गया, m2 मास हो गया, तो इधर तो थीटा टू कम हो जाएगा और थीटा वन ज्यादा हो जाएगा आपका, तो इसका जस्ट उल्टा भी प्रूव है, ठीक है। तो वो कभी कभी थ्योरेटिकल चीजें ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभी, तो नीट वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान रखना कि मास के ऊपर कैसे एंगल वेरी करता है, ओके, ठीक है बेटा। इसके बाद में अब नेक्स्ट थर्ड लेक्चर आएगा, उसके अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है, फोर्स के बारे में। आज का लेक्चर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।